रांची लैंड स्कैम मामले में गिरफ्तार हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची के होटवार की बिसरा मुंडा के केंद्रीय कारागार के अपर डिवीजन में रखा गया है। हेमंत सोरेन की सेल का नंबर 1 है। गिरफ्तार होने के बाद हेमंत सोरेन की पहली रात जेल में कैसी बीती, उनको अलॉट हुआ सेल नंबर 1 कैसा है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। महज 24 घंटे के अंदर झारखंड की राजनीतिक तस्वीर बदल गई, क्योंकि रांची में सरकारी जमीन को फर्जीवाड़े से बेचने के आरोप में ईडी ने झारखंड के एक्स सीएम हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को एजेंसी के दफ्तर में ही रखा था, जिसके बाद 1 फरवरी के दोपहर उन्हें ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद सोरेन को न्यायिक हिरासत में बिसरा मुंडा केंद्रीय कारागार में रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट में जेल प्रशासन ने बताया कि जेल प्रशासन को जैसे ही ये सूचना मिली कि हेमंत सोरेन को जुडिशियल कस्टडी में बिसरा मुंडा केंद्रीय कारागार भेजा जा रहा है, वैसे ही उनके लिए अपर डिवीजन के सेल नंबर 1 को अलॉट कर दिया गया। हेमंत सोरेन देर शाम तक जेल पहुंचे। उनके जेल पहुंचने के बाद आवश्यक कागजी कार्रवाई करके उन्हें सेल नंबर 1 में शिफ्ट कर दिया गया। अपर डिवीज़न के सेल नंबर 1 को वीआईपी आरोपियों और कैदियों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि एक्स सीएम हेमंत सोरेन को भी यही सेल अलॉट किया गया है। सोरेन के सेल में अटैच बाथरूम और किचन है। हेमंत सोरेन को सेल में एक अर्दली भी दिया गया है। दरअसल अर्दली एक तरह से सहायक या फिर देखभाल करने वाला जेल प्रशासन का शख्स होता है। वो वीआईपी कैदियों या आरोपियों की मदद के लिए सेल में मौजूद होता है। जेल के इसी सेल में हेमंत सोरेन ने अपनी पहली रात बिताई है। जमीन घोटाले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन को ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश करने के दौरान ईडी ने कोर्ट से उनकी 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिसे लेकर कोर्ट में करीब 1 घंटे तक बहस चली। वहीं ईडी की स्पेशल कोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता ने कहा कि यह पूरा मामला गलत मंशा से प्रेरित है, ये सरकार गिराने की साजिश है। पूरी कार्रवाई में पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उनकी गिरफ्तारी तब की गई जब उनका बयान दर्ज करने की कार्रवाई जारी थी, जो गैर कानूनी है। इस मामले में सुनवाई के बाद स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब 2 फरवरी को साफ हो पाएगा कि कोर्ट ईडी को सोरेन की कितने दिन की रिमांड देती है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्ते।